गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन उमला देवी पीजी कॉलेज। टुडे वी डिस्कस अबाउट डिविजन एंड जलमा एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम इसके पहले क्लास में ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में डिस्कस किया था। इन 1924 According to de Broglie, every moving particle has wave packet associated with it. यहाँ पे 1924 ईस्वी में लुइस डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका नहीं दिया। 1924 ईस्वी में यहाँ पे उन्होंने केवल एक कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि उस समय जब ये थेसिस लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़े भी हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। थेसिस कब लिखा जाता है, जैसे कि जब लोग पीएचडी करते हैं, तो यहाँ पे वह थेसिस एग्जाम द्वारा चेक की जाती है। अगर वह वेरीफाई होता है, सत्य होता है, तो आपको डिग्री से सम्मान किया जाता है, अदरवाइज फिर से रिटर्न के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे 1924 ईस्वी उन्होंने जब थेसिस दिया, तो डी ब्रॉगली ने क्या थीसिस दिया, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव पैकेट एसोसिएटेड विथ इट। यहाँ पे 1924 ईस्वी में लुइस डी ब्रॉगली ने यही थीसिस दिया था। तो बात यह आया कि इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। जब इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो एग्जामिनर ने कहा भाई इसका कोई एक्सपेरिमेंट तो है नहीं, कैसे कहा जाए। तो बुलाया जाता उनके सीनियर को, जो कि साइंटिस्ट, किसको बुलाया जाता है, आइंस्टीन को बुलाया जाता है। आइंस्टीन जब इसको देखते हैं, तो उन्होंने कहा इसका तो एक्सपेरिमेंट है नहीं, लेकिन बंदे में दम है। उस समय इनका कॉन्सेप्ट तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में अमेरिकन साइंटिस्ट जीपी थॉम्सन जो है वह जे थॉम्सन के बेटे हैं, और डेविसन एंड जर्मन ने इनके डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने सत्यापित किया। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, और डी ब्रॉगली ने ही बताया था कि इन ऑप्टिकल फिनोमेना लाइक एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन, लाइट आर बिहेव्स एज ए वेव, बट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, लाइट्स आर बिहेव्स एज ए पार्टिकल। इन बोथ केस लाइट्स आर बिहेव वेव एज वेल एज पार्टिकल, विच इज कॉल्ड ड्यूअल कलेक्टर ऑफ मैटर वेव। यहाँ पे ऑप्टिकल फिनोमेना में जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सब घटना में जो प्रकाश होता है वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, जबकि प्रकाश वज्र प्रभाव में, कॉम्पटन प्रभाव में और विकिरण का उत्सर्जन और शोषण में एक कण की भांति होता है। तो अर्थात जो प्रकाश होता है, एक तरफ तरंग है, एक तरफ क्या है, कण है, जिसको डी ब्रॉगली ने बताया कि जो प्रकाश होता है अपने पास द्वैती प्रकृति रखता है, जिसको ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर वेव कहते हैं। और यहाँ पे 1924 में जो हाइपोथेसिस दिया डी ब्रॉगली ने, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव पैकेट एसोसिएटेड विद इट, तो इसमें क्या है कि इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया डेविसन एंड जर्मर। तो
अगर देखा जाए तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आर सिमिलर एज जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट का और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का इतने दोनों में है क्या कि डायफ्रेक्शन पैटर्न से इनका क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का वेरिफिकेशन होता है। और यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एस बाई पी, जो कि जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। तो हम आते हैं मेन, आज मेरा जो टॉपिक है वह है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, इसमें किस प्रकार से हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशंस को, उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है, एवरी मूविंग पार्टिकल्स हैज वेव पैकेट एसोसिएटेड विद इट। तो यहाँ पे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वह एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, क्योंकि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ने बताया था कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव पैकेट एसोसिएटेड विद इट। तो यहाँ पे वह क्या है, केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था, एक हाइपोथेसिस दिया था, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डेविसन एंड जर्मर, ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग हैं, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, डेविसन एंड जर्मर ने यहाँ पे बताया और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया। और इट इज़ द सिमिलर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट की तरह ये भी है, डायफ्रेक्शनल पैटर्न है। जीपी थॉमसन जो है आपके जे थॉमसन के लड़के हैं, उन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप देख लीजिए, तो यहाँ पे लो टेंशन मतलब लो बैटरी लगा हुआ है, ये आपका फिलामेंट है। फिलामेंट का काम होता है कि जब हम उसको वोल्टेज देते हैं तो वह क्या होता है, हीट होता है। जब वह हीट होगा तो यहाँ क्या होगा कि एनर्जी मतलब फोटॉन क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग है, तो बेरियम ऑक्साइड कोटिंग जब ये है तो यह क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इमिट्स होंगे तो इससे पकड़ेंगे तो यह क्या होगा, एक्सलरेट होगा। तो इस कंडीशन से जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि जब इसको हम एनर्जी देंगे अर्थात वोल्टेज देंगे, तो फिलामेंट क्या होता है, हीट होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इमिट्स होते हैं तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो आप देख रहे हैं सिलेंडर विथ फाइन होल्स। तो यहाँ सिलेंडर आपको क्या लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही फाइन होल है, बहुत ही पतला है, जिससे केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन पास हो सके। इसका मतलब ये है कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ केवल यही आपको दिखाना है, यहाँ पे आपको यही दिखाना है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अर्थात यह पार्टिकल्स भी हैं और लाइक अ वेव नेचर भी हैं, अर्थात तरंग की भांति भी बिहेव करते हैं। तो आपको यहाँ पे यही देखना है, डेविसन एंड जर्मर ने यही आपको दिखाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या क्या है, लाइक अ वेव नेचर भी रखते हैं। तो यहाँ वेव नेचर भी रखते हैं अर्थात, तो ये फोटॉन या यहाँ पे फाइन होल या सिलेंडर जो है विथ फाइन होल, यहाँ पे क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पास हो सकते हैं यहाँ से फाइन होल से, जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे यहाँ पे हाई टेंशन बैटरी लगा हुआ है, हाई टेंशन जो कि जब हम इसको पोटेंशियल देते हैं तो क्या होता है, एक्सलेट करता है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ फ्लो करता है। जब बहुत तेजी के साथ फ्लो करेगा तो क्या होगा, लाइक अ वेव। अब यहाँ क्या है, निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे लगा हुआ है मूवेबल डिटेक्टर, यह क्या करता है, इस प्रकार से मूव करेगा। तो यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है,
गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, या क्या सर्कुलर स्केल है, इस प्रकार से यह ऑलरेडी क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो जब फिलामेंट स्विच होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट्स होगा, उसके बाद क्या है, यह हाइड्रोजन का बैटरी लगा हुआ है, यह क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो लाइकस क्या है, जब उसकी वेग तेज होगा तो लाइकस क्या होगा, वेव होगा। तो यहाँ पर मान लेते थीटा एंगल क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, मूवेबल डिटेक्टर लगा हुआ है, जो कि इस पॉइंट पे मेजर करेगा, इस पॉइंट पे मेजर करेगा, इस पॉइंट पे मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा, इलेक्ट्रॉन का वैलेंस मेजर करेगा। अब हम ये देखते हैं किस पॉइंट पे अधिक है। तो जब हम जैसे कि जब वोल्टेज कम रहेगा, जब वोल्टेज कम रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम इमिट होंगे। जब वोल्टेज अधिक होगा तो यहाँ पे हम देखते हैं, और मतलब कि इस कंडीशन में 40 टू 58 मतलब 40 से लेकर के 54 वोल्ट के बीच में क्या होता है, बहुत ही बेटर यहाँ पे आपको डिटेक्ट करने को मिलता है। और यहाँ से मेन, क्योंकि आपने ये फार्मूला पढ़ा है लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन बी, ठीक, और आपने पढ़ा है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी भी पढ़ा हुआ है। अब ये मूवेबल डिटेक्टर, जैसे हम मान लेते हैं कि ये थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है, जब 20 डिग्री है उस कंडीशन क्या होगा, 30 डिग्री है उस कंडीशन पे क्या होगा, 40 डिग्री है उस कंडीशन पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफिकल मिलता है, ग्राफ मिलता है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे क्या है कि यह मूवेबल डिटेक्टर जो है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं तो इसको कलेक्ट करता है, किसी पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी कम होगी, किसी पॉइंट पे अधिक होगी। और आप जानते हैं कि जब उसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होगी उसका वेवलेंथ कम होगा, और वेवलेंथ अधिक होगा फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ऑलरेडी कम होगी। तो हम ये देखते हैं कि 40 से लेकर 54 के बीच में लगभग जो उसकी उसका वेवलेंथ है बहुत ही मिनिमम होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक होती है। तो थोड़ा हम आपको ग्राफिकल मेथड से भी हम आपको बता देते हैं, कैलकुलेशन करके भी बता देते हैं। एक फिगर आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ क्या लगा हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। जब फिलामेंट से क्या करेंगे, जब इसको हम वोल्टेज देंगे क्या करेगा, यार हीट होगा, हीट होने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होते हैं। एक सिलेंडर लगा हुआ है 5 वोल्ट, मतलब यह इतना पतला है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पास होंगे, पास होने के बाद निकल क्रिस्टल से क्या करते हैं, टकराते हैं, टकरा करके यह रिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ पे सर्कुलर स्केल लगा हुआ है जो इसको क्या करता है, मेजर करता है, और यह क्या है, एंगल। तो इस कंडीशन पे जब हम वोल्टेज कम देंगे, एंगल इसका कुछ रहेगा, उस कंडीशन क्या होता है कि अलग अलग केस में इसका जो वेवलेंथ होता है वह क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक। अब यहाँ पे है, द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड एट डिफरेंट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बट सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्जर्व अराउंड 44 वोल्ट टू 54 वोल्ट। इसका मतलब यह है, यहाँ पे डिफरेंट जब पोटेंशियल, जब डिफरेंट हम वोल्टेज क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन पे इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन 44 वोल्ट से 54 वोल्ट के बीच में क्या होता है, एक विशेष मतलब सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी प्राप्त होती है, सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑब्जर्व, ठीक। यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होता है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, या सर्कुलर स्केल होता है जो ऑलरेडी क्या करता है, मूव करता रहता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है, इस केस में इसका कुछ प्रकार से होगा,
और यहाँ पे जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं इस प्रकार से होगा। तो अलग अलग केस में जब अलग अलग वोल्टेज देते हैं तो इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ अलग अलग बनता है। अब आइडिया फ्रॉम आइडिया ऑफ डी ब्रोगली, डी ब्रोगली से हम जानते हैं क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, वेयर पी इज मोमेंटम। यहाँ पी क्या होता है, मोमेंटम होता है, एच अपॉन एम वी होता है। क्या होता है, एच अपॉन एम वी होता है। उसके बाद मतलब पहले वीडियो में डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम आपको फाइंड कराए थे। तो यहाँ से एच अपॉन अंडर रूट टू एम के, टू एम के होता है। और ये क्या हो जाएगा कि बट के इक्वल टू क्या होता है, ईवी होता है। तो अर्थात लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट टू ईवी एम, इज मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे तब हम देखते हैं लेमडा का मान क्या होता है, कितना आता है। जब लेमडा का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा, उस कंडीशन में जो इसकी इंटेंसिटी होगी बहुत अधिक होगी। इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉन क्या है, ये पार्टिकल्स है। और जब यहाँ से निकलता है उसके बाद जब हम वोल्टेज देते हैं तो इस कंडीशन भी यह क्या करता है, लाइक एज वेव बिहेव करता है, तरंग की भांति बिहेव करता है। इसी को डेविसन और जर्मर ने शो किया था विथ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो हम देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। फ्रॉम आइडिया ऑफ डी ब्रोगली, फ्रॉम आइडिया ऑफ डी ब्रोगली, डी ब्रोगली आइडिया ऑफ डी ब्रोगली क्या है, इसके पहले हमने आपको डेरिवेशन भी कराया। आइडिया ऑफ डी ब्रोगली आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है। अब यहाँ से ये फार्मूला भी हम आपको डिराइव करा चुके हैं, एच अपॉन अंडर रूट टू एम के, वे के इज द काइनेटिक एनर्जी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगी एच अंडर रूट टू एम ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जस्ट हमने आपको लिखा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे जो उसकी इंटेंसिटी होगी वह क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन बेटर इंटेंसिटी जो मिलता है वह कितने मिलता है, 44 वोल्ट से 54 वोल्ट के बीच में मिलता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो हम वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, यच क्या है, यच इज द प्लैंक कांस्टेंट, यच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.62×10⁻³⁴ जूल इंटू सेकेंड होता है। उसके बाद यम क्या है, वेयर यम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और डी क्या है, पोटेंशियल है। तो यहाँ पोटेंशियल कितना है, फिर हमने बताया 54 वोल्ट पे क्या होता है कि बेटर इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 6.62×10⁻³ जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट टू यम का मान 9.1×10⁻²⁷ केजी हो जाएगा, ई का मान क्या होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है। और उसके बाद V का मान क्या है, बेटर 54 वोल्ट पे क्या हमने मान लिया कि बेटर इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो इस कंडीशन पे लैम्डा इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे 1.66 क्या मिलता है, एंगस्ट्रॉम, 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻¹⁰ मीटर होता है। अर्थात लेमडा का मान मिला 1.66 एंगस्ट्रॉम, ये 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻¹⁰ मीटर। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लेमडा का मान है, वेवलेंथ का मान है, वो क्या है कि बहुत ही कम है। इसका मतलब जब वेवलेंथ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी
उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत अधिक होगी। इसका मतलब यह है कि यह इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल आर बिहेव लाइक एज वेव, अर्थात यह क्या होता है, वेव की भांति बिहेव करता है। देयर इज एन एक्सलेंट एग्रीमेंट बिटवीन द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑब्टेन फ्रॉम द डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट एंड दैट ऑब्टेन फ्रॉम डी ब्रॉगली रिलेशन। यहाँ क्या है, डी ब्रॉगली रिलेशन से डेविसन एंड जर्मर ने यह एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया। तो आप देख रहे हैं लैम्डा का जो मान मिला है 1.66 क्या मिला है, एंगस्ट्रॉम मिला है, जो कि क्या है, बहुत ही कम है। इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ही बेटर होगी और बहुत ही अधिक होगी। इस कंडीशन में इस प्रकार डेविसन एंड जर्मर ने डायरेक्ट प्रूफ किया, अर्थात हमें कह सकते हैं कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आर द डायरेक्टली प्रूफ ऑफ द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इसका मतलब हम कह सकते हैं डेविसन और जर्मर ने आपके डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का डायरेक्ट क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, जो कि आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। हमने आपको बताया कि अलग अलग पोटेंशियल पे इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन कुछ खास पोटेंशियल पे इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बेटर होती है, अर्थात 44 वोल्ट से 54 वोल्ट के बीच की जो का पोटेंशियल होता है, उसको जो इसकी इंटेंसिटी होती है वह क्या होती है, बेटर होती है। या सेंसिटिव गैलोरीमीटर क्या करता है, उसको मेजर करता है। यह आता है 1.66 एंगस्ट्रॉम आता है और एक एंगस्ट्रॉम इसको 10 मीटर होता है। तो यह रहा आपका डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट की तरह आपका जी पी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या है, डायफ्रैक्शन पैटर्न पे आधारित है। यहाँ से ब्राइट और डार्क आपको फ्रेंजेस मिलते हैं। अब यहाँ पे देखा जाता है कि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होगा और वहाँ पे क्या है, लाइक एज वेव आपको दिखाई देगी। डायफ्रैक्शन किसमें होता है, लाइट में होता है और वेव के थ्रू होता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपने पढ़ा है, तो वहाँ क्या है, जब कोई फोटोन किसी फोटोमेटल सरफेस से इंसिडेंट होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन जो है एज ए पार्टिकल बिहेव करता है। और यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के द्वारा आपको पार्टिकल्स एज ए वेव, इसका मतलब जब यहाँ से फिलामेंट हीट होगा या जो फोटॉन इमिट होगा एज ए इलेक्ट्रॉन, उसके बाद या क्या है, जब उसको हाई टेंशन वोल्टेज हम देते हैं तो वह क्या होता है, इंसिडेंट होता है निकल क्रिस्टल पे और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वह बिहेव करता है एज ए वेव। इसका मतलब डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वह डायरेक्टली प्रूफ करता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ाते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, तो आप देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। यह इसके पहले डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आप लोगों ने देखा, यह क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, श्रोडिंगर थ्योरी को, इन सबको हटाए, मतलब केवल दो ही प्रिंसिपल हटा दीजिए, पूरी क्वांटम मैकेनिक्स खत्म। क्वांटम मैकेनिक्स आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर इक्वेशन से ही टोटली क्वांटम मैकेनिक्स है। और यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में 1900 के पहले जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाते थे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे दिए जाते थे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में किसी भी मूविंग बॉडीज कि एक्यूरेट मोमेंटम, एक्यूरेट पोजीशन फाइंड किया जा सकता है। जैसे कि हम मान लेते हैं क्या है, देखिए भाई कार है, ठीक है, अब कैसी कार है आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ए हो गया कार, हम मान लेते हैं कार है, तो यहाँ पे यक्स इक्वल टू जीरो, जब t इक्वल टू जीरो है x इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू जीरो, ठीक। जैसे कोई इन क्लासिकल मैकेनिक्स, कौन सी क्लासिकल मैकेनिक्स
क्लासिकल मैकेनिक्स हम देख लेते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ही क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। यहाँ कोई कार है, जब टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे क्या है उसकी पोजीशन, एक्स इक्वल टू जीरो है, हम मान लेते हैं कोई कार है उसका मास कितना है 200 किलोग्राम है। अरे जी 200 किलोग्राम के ऊपर क्या कम कम 500 एक टन कम नहीं होती है कार, लेकिन हम मान लेते हैं 200 किलो की कार है आपकी। जब t इक्वल टू जीरो है तो उसका पोजीशन क्या है, x इक्वल टू जीरो है, उसकी वेलोसिटी क्या है जीरो है, इसका मतलब उसका मोमेंटम भी क्या होगा जीरो होगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा किसी पार्टिकल्स की उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम को एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। हम मान लेते हैं t इक्वल टू 15 सेकेंड, अब अर्थात 15 सेकंड बाद इसका पोजीशन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी मोमेंटम क्या होगी, हम क्या कर सकते हैं एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा हम ले चलते हैं, क्योंकि हमको यहाँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है, यहाँ मोमेंटम और पोजीशन के बारे में बताना है। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में देख लेते हैं कि जब t इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू जीरो है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है ऑलरेडी जीरो है, मोमेंटम भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। लेकिन आफ्टर टाइम टी समय अंतराल बाद मामला लेते हैं 15 सेकेंड बाद हम उसका पोजीशन भी ज्ञात कर सकते हैं, वेलोसिटी भी ज्ञात कर सकते हैं, मोमेंटम भी ज्ञात कर सकते हैं, एकदम एक्यूरेट हम ज्ञात कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियस मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। अब पोजीशन आप फॉर्मूला जानते हैं, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब वेलोसिटी इससे हम फाइंड कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ध्यान दीजिए, जब हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड हो गई तो उसका मोमेंटम भी हमको क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। इसका मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा किसी भी गतिशील कण का स्थिति और संवेग, मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेट हम क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे कोई आइडेंटिकल सिस्टम है, आइडेंटिकल सिस्टम में कोई पार्टिकल क्या कर रहा है मूव कर रहा है, आइडेंटिकल सिस्टम है कोई पार्टिकल क्या कर रहा है ऑलरेडी मूव कर रहा है, अगर हम इसका एक्यूरेट पोजीशन फाइंड करते हैं, क्या करते हैं अगर हम एक्यूरेट पोजीशन फाइंड करते हैं तो उसका मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा अनसर्टेन होगा। अगर हम इसका मोमेंटम जो है एक्यूरेट मेजर करते हैं, अगर उसका मोमेंटम है एक्यूरेट मेजर करते हैं तो उसका जो पोजीशन होगा वह क्या होगा अनसर्टेन होगा। इसका मतलब कि अभी हमने आपको बताया कि आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में जो है वह क्या है कि एक्यूरेट मेजर किया जा सकता है मोमेंटम और पोजीशन। लेकिन अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखा जाए तो इस कंडीशन में अगर आइडेंटिकल सिस्टम में कोई पार्टिकल क्या कर रहा है मूव कर रहा है, आइडेंटिकल सिस्टम में कोई पार्टिकल क्या है मूव कर रहा है, यदि उसकी पोजीशन को एक्यूरेट मेजर किया जाए तो उसके मोमेंटम क्या होगा अनसर्टेन होगा, यदि मोमेंटम क्या है एक्यूरेट मेजर किया जाए तो उसका पोजीशन क्या होगा अनसर्टेन होगा। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वह क्वांटम मैकेनिक्स पे आधारित है। और यहाँ पे 1927 ईस्वी में हाइजेनबर्ग ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन 1927 हाइजेनबर्ग प्रपोज दैट ए प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अर्थात सन 1927 में हाइजनबर्ग ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने अनसर्टेन पोजीशन, अनसर्टेन मोमेंटम, जैसा कि अभी हमने आपको बताया किसी भी आइडेंटिकल सिस्टम में यदि हम मोमेंटम को एक्यूरेट कर सकते हैं उसके पोजीशन क्या होगा, अनसर्टेन होगा, और पोजीशन एक्यूरेट होता है मोमेंटम क्या होगा, अनसर्टेन होगा। अकॉर्डिंग दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजिशन एंड मोमेंटम, पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल, ऑफ द मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली ये रहा आपका हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है किसी भी गतिशील कण का, किसी भी गतिशील कण का स्थिति और संवेग का निर्धारण इसका संभव नहीं है, किसी भी गतिशील कण की स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इफ वी कंसीडर हम मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेन पोजीशन, फिर इफ डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेन पोजीशन एंड यहाँ इफ डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेन मोमेंटम, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, तब इस प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी गतिशील कण की स्थिति और संवेग का निर्धारण ऐसा संभव नहीं है। ये होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर आर इक्वल एच अपॉन 4 पाई, विच इज द हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यह क्या है, हाइजनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत है। इस प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी गतिशील कण की स्थिति और संवेग का निर्धारण ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे कि इसका मतलब ये है कि अगर मोमेंटम एक्यूरेट होगा पोजीशन क्या होगा, कुछ इरर होगा, तो दोनों इरर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह नियरली क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होता है, या क्या रहा, हाइजनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत जिसको हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, इसको आप नोट कर सकते हैं, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। जहाँ यहाँ देखिए फेज वेलोसिटी को हम वेव वेलोसिटी भी कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन है कि वेन ए मोनोक्रोमेटिक वेव, मोनोक्रोमेटिक मीन्स कि ऐसा तरंग, ऐसा वेव जिसकी जिसका फ्रिक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य क्या हो, सिंगल हो। जैसे ये वेव्स हैं, कोई पार्टिकल्स मूव्स एज वेव, यहाँ पे ड्वेल करेक्ट ऑफ मैटर वेव आपने पढ़ा, तो वहाँ पे क्या है, लाइट पार्टिकल्स आर बिहेव एज ए वेव, तो यहाँ पे हम वेव्स ही मान लेते हैं, कोई क्या है, मोनोक्रोमेटिक वेव्स है। यहाँ पे क्या है, मोनोक्रोमेटिक मीन्स क्या होता है कि सिंगल वेवलेंथ हैव सिंगल फ्रिक्वेंसी,
क्या है कि वेन ए मोनोक्रोमैटिक वेव ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम, किसी माध्यम में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी उस माध्यम में क्या कहलाएगी, वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी कहलाती है। यदि कोई सिंगल वेव मतलब मोनोक्रोमैटिक वेव, मोनोक्रोमैटिक मीन्स जिसका वेवलेंथ और उसका फ्रिक्वेंसी क्या हो, सिंगल हो, अगर वह तरंग उस माध्यम में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, जिस वेग से वह ट्रेवल करेगा वही वेलोसिटी क्या कहलाएगी, वेव वेलोसिटी कहलाएगी, जिसको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम वीपी से डिनोट करते हैं, तो वीपी इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन के, जहाँ पे ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और के क्या है, वेव के इज द प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट, जहाँ पे के क्या है, प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, तो हम आपको बताते हैं ग्रुप वेलोसिटी और उसके बाद उसका रिलेशन बताते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ ग्रुप वेलोसिटी देखिए, इसको नोट करिए, ए पल्स कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ, ए पल्स कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वेव डिफरिंग slightly from one another from one another, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं, इन सुपरपोजिशन वेव आर कॉल्ड वेव पैकेट। थोड़ा यहाँ वेव पैकेट आप देख लीजिए, जैसे एक वेव से इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है, एक वेव से इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जब हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे, अध्यारोपित करेंगे, तो इस प्रकार से फॉर्म बनेगा। जब इस प्रकार से फॉर्म बनेगा, तो अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए कई वेव हैं, तो इस प्रकार क्या होता है, एक फॉर्म बनता है, और इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट्स कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ए पल्स कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वेव्स डिफरिंग स्लाइटली फ्रॉम वन अंदर, अर्थात यहाँ नंबर ऑफ वेव कई होते हैं, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, ए सुपर पोजिशन वेव सरकार वेव पैकेट, जब हम इसको सुपर इम्पोज करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वेव पैकेट कहते हैं, ठीक है। वेव पैकेट और वेव ग्रुप, और वेव ग्रुप, इसी को हम वेव पैकेट अथवा वेव ग्रुप भी कहते हैं। द ऑब्जर्व वेलोसिटी, द ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ which has maximum amplitude. तो जो observed velocity होगी उसका amplitude अर्थात आयाम क्या होगा, maximum होगा, the phase velocity आर डिफरेंट, अर्थात तो इसका जो फेज वेलोसिटी होगा, अर्थात एक वेव की जो वेलोसिटी होगी, सिंगल वेव की जो वेलोसिटी होगी, वह वेव वेलोसिटी होगा, जब
कई वेव्स एक साथ ट्रेवल करते हैं, जब एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं तो उसको वेव ग्रुप या वेव पैकेट कहते हैं, या हम कह सकते हैं इस वेलोसिटी को अर्थात सुपर इम्पोज वेलोसिटी को क्या कहते हैं कि हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखा, एम्पलीट्यूड द फेज वेलोसिटी आर डिफरेंट कंपोनेंट आर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आर डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि अलग अलग वेव का जो फेज वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे आपने लिखा द ऑब्जर्व वेलोसिटी विच हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अर्थात जो वेव पैकेट की वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी क्या कहलाएगी, ग्रुप वेलोसिटी कहलाएगी। तो या जनरली हम यह लिख सकते हैं कि द एडवांसमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैज वेलोसिटी आर कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी आर कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेव पैकेट वेव ग्रुप जो वेव ग्रुप है उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। इसको वीजी से डिनोट करते हैं, वीजी इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी के, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड के इज द प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, हमने आप भी लिखा है ए पल्स कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वेव डिफरिंग स्लाइटली फ्रॉम वन एंड फ्रिक्वेंसी, अर्थात नंबर ऑफ वेव्स जो होते हैं अपने पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रखते हैं, और जिसको अगर हम इसको सुपर पोजिशन का सुपर इम्पोज करें तो उसको हम बोलते हैं वेव पैकेट कहते हैं। तो इसका मतलब द एडवांसमेंट ऑफ दिस ग्रुप, किस ग्रुप, अर्थात वेव पैकेट अर्थात वेव ग्रुप को। तो दिस ग्रुप हैज वेलोसिटी आर कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाई वी जी, इट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी, वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ तो यहाँ आप देखिए रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या संबंध होता है। अभी हमने इसका फार्मूला बताया कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, जब कोई ग्रुप मतलब कि आर वेव ग्रुप आर ट्रेवल आर कॉल्ड वेव पैकेट, अर्थात जब कोई वेव का समूह एक साथ ट्रेवल करता है एक दूसरे को सुपर इम्पोज करता है जिसको हम वेव पैकेट कहते हैं, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। जब कोई सिंगल वेव है मतलब मोनोक्रोमेटिक वेव है सिंगल फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक वेव, जब कोई मोनोक्रोमेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो हम क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी अथवा फेज वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे वी नो दैट, वी नो दैट जो कि हम पहले से ही जानते हैं वी पी फेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन के होता है इक्वेशन फर्स्ट, एंड आल्सो वी नो दैट, आल्सो वी नो दैट, और हम क्या जानते हैं ग्रुप वेलोसिटी जानते हैं वी जी इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी के होता है इक्वेशन नंबर सेकंड होता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम एक कर लेंगे ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा के इंटू वी पी, के इंटू वी पी हो जाए, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू के, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी के, जब डी ओमेगा अपॉन डी के हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी पी पहला मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन वी पी प्लस के इंटू डी वी पी अपॉन डी के। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू दूसरे इक्वेशन से अगर देखा जाए डी ओमेगा अपॉन डी के किसके बराबर है, वी जी के बराबर है, तो वी जी इक्वल टू हो जाएगा वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के, विच इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। क्या है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन है। अब यहाँ पे हम जानते हैं बट के इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा होता है,
अब यहाँ से अगर हमको फाइंड करना है तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, इम्प्लाइज दैट डी के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2π/λ² डी लेमडा, क्या हो जाएगा -2π/λ² डी लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से यही वैल्यू के की वैल्यू और डी के की वैल्यू उठा करके हम कहाँ रख देंगे, एवब इक्वेशन में रख देंगे, इस से आपको मिल जाएगा वी जी इक्वल टू, देन वी जी इक्वल टू वी पी प्लस के का स्थान क्या हो जाएगा, के का स्थान पर हो जाएगा 2π/λ हो जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा डी वी पी अपान डी के का स्थान पर हो जाएगा -2π/λ², उसके बाद क्या हो जाएगा डी लेमडा, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा VP माइनस लेमडा डी VP अपान डी लेमडा, एक मिनट, डी लेमडा आपका यहाँ पर हो जाएगा एरा डी लेमडा, क्योंकि ए ऊपर चला जाएगा, लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 2π/2π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया VG, एक रिलेशन ए भी हो गया ग्रुप विलासी और फेज विलासी में रिलेशन। ये आपके अगर देखा जाए तो BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप विलासी और फेज विलासी में रिलेशन। अब यहाँ पे यह जो रिलेशन है वो किसके लिए है, डिस्पर्सिव मीडियम के लिए है, और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए जो होता है वेवलेंथ क्या होता है, जीरो होता है इन डिस्पर्सिव मीडियम। यही पे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए वेवलेंथ क्या होता है, जीरो होता है। जब वेवलेंथ जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात VG इक्वल टू क्या मिल गया, VP। इसका मतलब कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का मान क्या होता है, सेम होता है, अर्थात ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी क्या होगा, बराबर होगा। ये रहा आपका ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में संबंध। तो हम ऐसा करते हैं कि आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम आपको BSc सेकेंड ईयर का जो यूनिट फर्स्ट है उससे फार्मूले से रिलेटेड टोटली एक तरह से हम आपको निमित्त बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।